दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। स्थानीय ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम बल्टन पार्क में शुरू हुए टूर्नामेंट का उद्घाटन पंजाब किसान कमीशन के चेयरमैन डॉ. गुरचरण सिंह कालकट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया। इस टूर्नामेंट के पहले मैच में श्री गुरु रामदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल छहरटा को हराकर 11वीं ऑल इंडिया बलवंत सिंह कपूर हॉकी टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश किया, जबकि दूसरे मैच में सीआरजेड सोनीपत ने चीमा हॉकी के अकेडमी को करारी शिकस्त दी। टूर्नामेंट के दौरान जंग बहादुर सिंह संघा, टूर्नामेंट कमेटी के प्रधान हरभजन सिंह कपूर, मनमोहन सिंह कपूर, तीरथ कपूर, मनजीत सिंह कपूर, गुणदीप सिंह कपूर, जीएस ढींगरा, वरिंदर सिंह, मुकबैन सिंह, संजीव कुमार, मनदीप सिंह सहित अन्य खेल प्रेमी भी मौजूद थे। Celebrating this tournament for the last 11 years, which is great, for the simple reason that they are helping the students to develop their personality. Simply going to school, a person doesn't have the personality. He has to live in a society, understand competition, and appreciate somebody else's qualities.